स्टोरी जो है, पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, आपने मेरे को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मेरी सुपर हिट फिल्म के लिए। लेकिन ये जो फिल्म है ये एकदम अलग जॉनर की फिल्म है। ये एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंसान, बड़ा स्टूडियस और बहुत अच्छे लेवल पर कुछ करना चाहता था लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बने लाइफ में जिससे कि वो शेर अली, यानी कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर यूपी का बन पाए। तो अब शेर अली, हाँ, मैं ऑब्वियसली ये आपको बोलूँगा, मैं जितनी मूवीज़ बनाता हूँ मैं उसमें ज़्यादातर यही कोशिश कर रहा हूँ, जो आने आगे भी बना रहा हूँ मूवीज़, उनमें एक सोशल मैसेज हो। और ये फिल्म भी यूथ ओरिएंटेड फिल्म है, इस फिल्म से भी यूथ को बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है। अब वो मैसेज किस तरीके से मिलेगा ये मेरे ख्याल से फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन 100% इससे यूथ इस फिल्म से बहुत इंस्पायर्ड होगा, ये चीज़ समझेगा लाइफ के अंदर कि नहीं, गैंगस्टर से अच्छी लाइफ, किसी और चीज़ से बढ़िया लाइफ अगर बितानी है लाइफ के अंदर, कुछ अच्छा काम करना है तो स्टडी है, बुरे लोगों से दूर रहने का। और जितने भी पॉलिटिकल लोग अपने आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके उनके अच्छे टैलेंट को मिसयूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, वो इसका एक मैसेज देगा। लेकिन मैं इस चीज़ को आपको पहले क्लियर कर दूँ, ये किसी भी पुरानी फिल्म जिस जो और आपने मूवीज़ देखी हैं उसमें आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखा होगा, बहुत सारे और लोगों को देखा होगा, उससे बिल्कुल हटके है, मतलब इसका कहीं कोई रिलेशन पॉलिटिक्स से नहीं है। बेसिकली ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, 6 ईयर्स से आई वॉज वर्किंग कि मेरे को कुछ ना कुछ इंडस्ट्री के लिए अच्छा करना है। तैयारी सबसे पहले मेरा टारगेट था कि मेरे को एक लैंडमार्क तैयार करना है, कि मुझे अपने आप को फिजिक वाइज, जो यूथ में आजकल एक बहुत बड़ा एजेंडा हो गया कि लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें टारगेट नहीं पता कैसे करना है। तो मैं एक दिखाना चाहता हूँ कि 22 साल का लड़का भी क्या कर सकता है, किस लेवल तक की मेहनत कर सकता है, और एक पॉजिटिव वे में। इस फिल्म का ब्रेक मिलने के पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैंने अपनी जो स्कूलिंग है मैंने रुड़की से करी है, ग्रीनवे स्कूल से करी है, उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए करी है, और साइड बाय साइड मैं इसकी तैयारी कर रहा था। और पिछले 4 ईयर्स से आई वॉज लाइक पूरी बॉडी में मैंने अपना ध्यान दिया, और 2 साल से आई वॉज इन मुंबई। मार्शल आर्ट भी सीख, मार्शल आर्ट्स रेगुलर मेरा चल रहा है। अब मैं अपने आप को, शायद हमारे देश में मोर देन 100 CR पॉपुलेशन है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि रुपेश सर के अंडर मेरे को काम करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोग देखे हैं, बहुत मेहनती लोग देखे हैं, लेकिन एक लैंडमार्क इसमें भी इन्होंने एक सेट कर रखा है कि इससे ऊपर मेहनत नहीं हो सकती, तो मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेकर कि हम इस चीज़ को पूरा जस्टिफाई करेंगे, और यूथ को हम बहुत एक अच्छी मूवी देने जा रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, और 100% मुझे इस पर विश्वास है कि ऊपर वाला हमारा साथ देगा और पब्लिक हमें प्यार देगी। ऋषभ के अलावा मैं आपको बताऊं, बहुत सारे को आर्टिस्ट जो इंडस्ट्री के बड़े एस्टेब्लिश आर्टिस्ट होंगे वो सब लोग होंगे, मैं नाम आपको इसलिए नहीं भी डिस्क्लोज कर पाऊंगा क्योंकि उनके टोकन, उनको एडवांस, उनका नेक्स्ट मंथ से हम लोग उनको सबको साइन करेंगे, तो अभी मेरा नाम बोलना ठीक नहीं, लेकिन हमारी पाइपलाइन में सारे बड़े नाम हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।